था जो 22 में हम लोगों ने पहला प्रकार पढ़ा था क्या, जब पासे का केवल एक प्रारूप दिया गया। अगले हेडिंग बनाइए, अगले हेडिंग बनाइए, जब जब पासे का, जब पासे का केवल दो प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का केवल दो प्रारूप दिया गया हो, ठीक है। चलिए अब लिखेगा, लिखिए जब पासे का केवल दो प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का केवल दो प्रारूप दिया गया हो तो निम्नलिखित चार स्थितियां संभव हैं, तो निम्नलिखित चार स्थितियां संभव हैं, चार स्थितियां संभव हैं, ठीक है। चार स्थितियां संभव है, लेकिन नंबर एक, कंडीशन नंबर वन या नियम नंबर एक, कुछ भी लिख सकते हो। देखिए, स्थिति नंबर एक या नियम नंबर एक लिखिएगा, यदि पासे के दो प्रारूपों में, यदि पासे के दो प्रारूपों में, पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, यदि पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो तो दोनों प्रारूपों में, तो दोनों प्रारूपों में छुपी हुई सतह, हिडन, तो दोनों प्रारूपों में छुपी हुई सतह और कॉमन सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी, तो दोनों प्रारूपों में छुपी हुई सतह और कॉमन सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी, ठीक है। आप देखो, ये तो एक कॉपी में प्रॉपर लिखवाने का तरीका है, आपको साइड में क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कॉमन और हिडन क्या होता है, विपरीत होता है, बस कॉमन एंड हिडन हमेशा ध्यान रखना, ओके। पहला नियम क्या मैंने लिखवाया, यदि पासे के दो प्रारूपों में एक सतह कॉमन है तो दोनों प्रारूपों में छुपी हुई सतह और कॉमन सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, तो ये पांच के विपरीत, पांच के विपरीत सतह पर पांच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, पांच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा,
चलिए एक क्वेश्चन है, नीचे पांच ए पांच ए के दो प्रारूप दिए गए हैं, याद है हमने आपको पिछली क्लास में प्रारूप का मतलब बताया था, एक पांच ए के दो प्रारूप, ये दो पांच ए नहीं है, ये एक पांच ए के दो फोटो खींच के लगाई गई है। आपको बताना है कि पांच के विपरीत क्या है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, पांच इन दोनों में हिडन क्या है, एक, तो पांच के विपरीत एक आएगा, हो गया। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, पांच दोनों में है, और हिडन का मतलब जो दोनों में दिखाई ना दे रहा हो, एक एक दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत है बोलिए, है ना। अब आप खुद सोचिए ना, मैं बता रहा हूं, देखिए पहले पढ़ने का तरीका लोगों का, ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो का इन्होंने किया है यूट्यूब पे डाल दिए, तो उसमें कई कम से कम दो तीन लोगों ने कमेंट मालूम क्या किया, सर कोई ट्रिक बताइए। अरे यार ये ट्रिक ही तो है, तो मैं क्या करता, सीधा एडवाइस में पहले यही बता देता। अब आप सोचिए एग्जाम में सवाल आएगा, आएगा मैंने कितनी बार आ चुका होगा अब तक, अब आप खुद बताइए क्या पेन चलाने की आवश्यकता है। लेकिन लोग आजकल पता नहीं क्या हो गया है, लोग इतना ना मैथ को कैसे पढ़ना है लोगों को तरीका ही नहीं पता है। अभी बताइए, जैसे मैंने तुमको अभी पढ़ाया इवन और ऑड का क्वेश्चन, तो पहले क्या बताया उसका डिस्क्रिप्टिव बताए ना, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x गुणा दो, तो पहले यार बताने तो दीजिए यार, लेकिन जहां बताना शुरू करिए सर कोई ट्रिक बताइए। आपको पता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ठीक आप अपने आप करने लगेंगे, ठीक कुछ नहीं होता, वो फालतू बातें हैं। मैथ में केवल एक चीज चलती है, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। अब पासे का जो मैंने आपको दो तीन वीडियो शुरू में आपको दिए हैं, जो क्लास मैंने आपको बताई है, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो पासे का प्रश्न बिना पेन चलाए आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या ट्रिक बताए, कि ठीक ही तो है, जो कॉमन है हिडन उसके विपरीत होगा। ओके अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखे एक पासे की छह सतहों पर एक पासे की छह सतहों को निम्नलिखित छह रंगों से रंगा गया, लिखे आगे लिखे एक पासे की छह सतहों को निम्नलिखित छह रंगों से रंगा गया, डैश का निशान लगा के लिखिए, लाल पीला हरा नीला काला और सफेद। एक पासे की छह सतहों को निम्नलिखित छह रंगों से रंगा गया, आपको आगे रंग के नाम लिखना है, रंग के नाम लिखिए लाल पीला हरा नीला काला और सफेद। लेकिन इस पासे के दो प्रारूप, इस पासे के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं, इस पासे के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, जिस सतह का रंग लाल है,
इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, जिस सतह का रंग लाल है उसके विपरीत सतह का रंग क्या है? जिस सतह का रंग लाल है उसके विपरीत सतह का रंग क्या है? ठीक है, अब आप खुद सोचिए, क्या पेन चलाने की आवश्यकता है? नहीं। कौन दोनों में कॉमन है? काला। कौन दोनों में हिडन है? लाल। तो लाल के विपरीत काला होगी। कोई दिक्कत है? बोलो। हो गया पहला नियम। पहला नियम यही होता है, किसी को कुछ पूछना है एक बार और समझिएगा। देखिए, पहले आपको बताइए, क्या इन दोनों में लाल रंग आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लाल रंग नहीं दिख रहा है। जो रंग ना दिखे उसको क्या बोलोगे? अच्छा, क्या पीला रंग दिख रहा है? पीला इन दोनों में, ये येलो दिख रहा है। क्या ग्रीन दिख रहा है? हरा दिख रहा है। ब्लू कलर दिख रहा है? नीला दिख रहा है। काला दिख रहा है? काला यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। काला दोनों में दिख रहा है। जो दोनों में दिखे उसको क्या बोलोगे? कॉमन। सफेद दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो कौन दोनों में दिख रहा है? ब्लैक, यानी ब्लैक क्या है? कॉमन। और कौन दोनों में नहीं दिख रहा है? रेड। ये क्या है? हिडन। तो लाल के विपरीत क्या होगा? काला। ओके, चलिए अगला लिखते हैं। स्थिति नंबर दो, कंडीशन नंबर दो या नियम नंबर दो। स्थिति नंबर दो या नियम नंबर दो। यदि यदि पासे के दो प्रारूपों में यदि पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो, यदि पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो, दो सतह कॉमन हो, तो दोनों प्रारूपों में शेष बची तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। यदि पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो, तो दोनों प्रारूपों में शेष बची तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। देखिए, अभी जब एग्जाम्पल देंगे ना तब समझ में आएगा। लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए,
एक है विपरीत, ए फॉर एप्पल, ए ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ए के विपरीत कौन सा अल्फाबेट होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब आप सोचिए क्या पेन चलाने की आवश्यकता है, नहीं है। देखो एकदम सिंपल सा दिख रहा है, देखो हमने क्या पढ़ाया, यदि पासे के दो प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो, देखिए यहां पर बी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, डी यहां है, डी यहां है, बी और डी दोनों में कॉमन है, तो यहां पर तीसरी सतह क्या है, सी, और यहां पर तीसरी सतह क्या है, ए, तो ए और सी विपरीत होंगे। कोई दिक्कत है बोली, आ गया। सिंपल है, अगर पासे के दो प्रारूपों में दो सरफेस कॉमन हो तो जो तीसरी सरफेस बचेगी दोनों में एक दूसरे के विपरीत होंगी। आ गया समझ में, अगला बताएं, अगला लिखिए स्थिति नंबर तीन या नियम नंबर तीन। स्थिति नंबर तीन या नियम नंबर तीन लिखे, देखिए यदि पासे के दो प्रारूपों में, यदि पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, यदि पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, कोई एक सतह कॉमन हो और यह कॉमन सतह, और यह कॉमन सतह, कॉमन सतह दोनों प्रारूपों की समरूप सतह हो, समरूप आइडेंटिकल या सिमिलर, यदि पासे के दो प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो और यह कॉमन सतह दोनों प्रारूपों की क्या हो, समरूप सतह हो, तो दोनों प्रारूपों में, तो दोनों प्रारूपों में शेष बची दोनों सतह, तो दोनों प्रारूपों में शेष बची दोनों सतह अपने अपने समरूप सतह के विपरीत सतह होंगी। तो दोनों प्रारूपों में शेष बची दोनों सतह अपने अपने समरूप सतह के विपरीत सतह होंगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये तो आपको कॉपी का ना नोट्स आपका बन जाए, उसका तरीका है, आपको जब समझाएंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, या पहले जो समझिए क्वेश्चन बाद में लिखना, जैसे फाइव सिक्स वन फाइव थ्री। अब आप बताइए इन दोनों में कौन कॉमन है, पांच कॉमन है ना। ठीक है, फिर देखिएगा, अब कौन कॉमन है, पांच, अभी भी पांच कॉमन है ना, अब कौन कॉमन है, पांच,
लेकिन दोनों कॉमन में अंतर है। बिल्कुल, ये समरूप सतह पर कॉमन है। समरूप सतह का मतलब होता है जैसे सामने सामने, मतलब समरूप मतलब समान प्रकार की सतह पर कॉमन हो। यहां भी पांच क्या है, सामने है, यहां भी पांच क्या है, सामने है, तो समरूप सतह पर कॉमन है। दोनों जगह पांच जो है वो समरूप सतह पर कॉमन है। तो शेष बची दोनों सतह अपने अपने समरूप सतह की कॉमन सतह होंगी। तो देखिए, ऊपर ऊपर विपरीत, ऊपर की सतह, यहां ऊपर छह है, यहां ऊपर तीन है, तो छह और तीन विपरीत होगा। दाहिने दाहिने ये दोनों विपरीत होंगे, समझ गए। और पांच क्या है, पांच कॉमन है, तो हिडन क्या है, हिडन क्या है, दो। तो पांच के विपरीत दो, मतलब जो नियम नंबर तीन में आपको पढ़ाया, इसमें नियम नंबर एक इनबिल्ट है पहले से। नियम नंबर एक क्या पढ़ाए थे, कॉमन और हिडन, तो कॉमन और हिडन वाला नियम भी यहां लगेगा। पांच के विपरीत क्या है, दो, क्योंकि पांच कॉमन है, हिडन क्या है, दो, ये नियम नंबर एक था। अब नियम नंबर तीन कब लगेगा, जब दोनों समरूप सतह पर कॉमन है। मैंने क्या लिखवाया है, पढ़िए, यदि पासे के दो प्रारूपों में एक सतह कॉमन हो और ये कॉमन सतह दोनों प्रारूपों की समरूप सतह हो, और ये दोनों प्रारूपों की समरूप सतह हो, तो दोनों प्रारूपों में, तो दोनों प्रारूपों में शेष बची दोनों सतह अपने अपने समरूप की विपरीत होंगी। तो अगर पांच कॉमन है तो बाकी दो सतह कौन कौन बची, यहां पर बचा छह और एक, तो जो सिक्स कहां है, ऊपर, तो ये अपने समरूप के विपरीत होगा, ऊपर ऊपर विपरीत होगा, छह के विपरीत तीन होगा, तीन के विपरीत छह होगा, एक के विपरीत चार होगा और चार के विपरीत एक होगा। मैं बात देख लीजिए, बना लीजिए, या आप चाहें तो इसको मैं क्वेश्चन के रूप में बना दें, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, दोनों प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, दोनों प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, दो दो चार और छह के विपरीत, दो चार और छह के विपरीत क्रमशः कौन कौन से अंक होंगे, दो चार और छह के विपरीत, दो चार और छह के विपरीत क्रमशः कौन कौन से अंक होंगे। कोई दिक्कत है, बोली आया समझ में, अगला क्वेश्चन दें, चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, आप लिखे लिखे, नीचे एक पासे के नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, इन प्रारूपों का अध्ययन करके,
इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए। नंबर एक, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए। नंबर एक, प्रतिशत के विपरीत परसेंटेज, प्रतिशत के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? प्रतिशत के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? नंबर दो, नंबर दो, एक बार लिखिएगा। नंबर दो लिखिएगा, अल्फा के विपरीत, अल्फा के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? अल्फा के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? नंबर तीन, रुपया के विपरीत, रुपया के विपरीत कौन सा सिंबल होगा, कौन सा चिन्ह होगा? तो देखिए, कौन कॉमन है? रुपया कॉमन है, रुपया कॉमन है और समरूप सतह पर कॉमन है। देखिए ध्यान से, रुपया दोनों में कॉमन है लेकिन कहां कॉमन है? समरूप सतह पर। रुपया यहां भी ऊपर के सरफेस पर है, यहां पर भी ऊपर के ही सरफेस पर है, ये दोनों समरूप सतह पर कॉमन है। तो बाकी की जो दोनों सतह बची वो अपने अपने समरूप के विपरीत होंगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत के विपरीत क्या होगा? तो प्रतिशत के विपरीत क्या होगा? हैश, सामने सामने विपरीत होगा ना, प्रतिशत के विपरीत क्या आएगा? आया समझ में? अल्फा के विपरीत क्या होगा? फाई, ये फाई का सिंबल है। प्रतिशत के विपरीत क्या होगा? ओ सॉरी, अल्फा के विपरीत क्या होगा? फाई। तीसरा क्वेश्चन, रुपया के विपरीत क्या होगा? कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि रुपया के विपरीत क्या होगा? जो हिडन है, और हिडन क्या है वो पता नहीं है। किसी कोई दिक्कत है बोले? हमने आपको तीन नियम पढ़ा दिए, तीनों में कहीं कोई दिक्कत है बोलिए? कुछ भी नहीं है, अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तीनों नियम में। अब आप खुद सोचिए कि अगर इन तीनों नियम पे एग्जाम में सवाल आ गया, आ गया मतलब आता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा, ठीक है, तो आप और सवाल को आप बिना पेन चलाए आपको देख के बता देंगे इसका यही ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, कहीं कोई दिक्कत है बोलिए? वो आपने लिखा नोट में कि नियम नंबर तीन में नियम नंबर एक अंतर्निहित है, नहीं लिखे ना? लिखिए नोट, लिखिए नियम नंबर तीन में, नियम नंबर तीन में नियम नंबर एक, नियम नंबर एक क्या है? कॉमन एंड हिडन। नियम नंबर तीन में नियम नंबर एक अंतर्निहित है। नियम नंबर तीन में नियम नंबर एक अंतर्निहित, इनबिल्ट, इनबिल्ट है, अंतर्निहित है। तो यहां तक कोई दिक्कत है बोलिए? तो कल जो है रविवार है ना, कल तो रविवार को आपकी बेसिक की क्लास चलती है,
मैं आपको एक बार बता चुका हूँ।